हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी बज रहे 11 और आज है वेडनेसडे, तो अभी से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं बेडरूम में हूँ और सुबह का खाना पक गया है, मैं नहा भी लिया है, पूजा भी हो गया। तो चलिए खाने में मैं क्या बनाया आप लोग को दिखाती हूँ। आज का लंच है करेला बटाटा उबला है और सूखा मिर्ची फ्राई करके डाली है। नमक और राई का ऑयल से मैश करके खाऊंगी। और ये है पालक का सब्जी और ये है पापलेट और रूहू फिश का कड़ी। नाश्ता करने के बाद मैं झाड़ कटिंग किया है और झाड़ कटिंग करके हो गया है। और अभी मैं बनाऊंगी इमली का खट्टी मीठी अचार। तो चलिए मैं पहले इमली को उबाल लेती हूँ। इमली को 2 मिनट ही उबालने का, लेकिन मैं थोड़ा ज्यादा ही पका लिया है इसीलिए थोड़ा पिघल गया है। कुछ कुछ इमली कौला था इसलिए पिघल गया, लेकिन ऐसा होना चाहिए। ये देखिए, कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन दिखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं पहले ना ऑयल देती हूँ। अभी दे रही हूँ 5 फोड़न। ये 5 चीज़ों से बनता है, जैसा काला जीरा, जीरा, सौंफ, मेथी, राई, ये सब से बनता है। और ये है सूखा मिर्ची, थोड़ा तीखा चाहिए इसलिए मैं 4 डाल दी। आप लोग को ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो कम डाल सकते हैं। मैं अभी गुड़ डाल रही हूँ, एक गन्ने का गुड़ है। थोड़ा सा नमक डाल दी। अभी मैं इमली डाल दी। अभी थोड़ा गैस स्लो कर देती हूँ। मेरा मायके में इमली का 2-3 झाड़ है। हम लोग ना जब वैकेशन होता था तब इमली आम वगैरह ऐसा काट के खाते थे, तो अभी वो दिन का याद आ रहा है मुझे। और ऐसा भी मतलब इमली का खट्टा मीठा अचार भी बना के खाते थे। और ये कच्चा इमली का ही बनता है और स्किन के साथ भी अच्छा लगता है। ये देखिए बन गया है। और अभी मैं गैस बंद करूंगी और ठंडा होने के बाद बाउल में डालूंगी। दिखने में यम्मी लग रहा है और खाने में तो बहुत स्वादिष्ट है और मुँह में मेरा पानी आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए मैं अभी थोड़ा टाइम बैठूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी। खाना खा के हो गया और इमली का जो चटनी बनाया था वो मैं खाना खाने के टाइम थोड़ा खाया था, बहुत स्वादिष्ट बना। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और वो कच्चा इमली का ही बनाना। कच्चा इमली का ही बहुत अच्छा लगेगा, पक्का इमली का इतना अच्छा नहीं लगेगा। और मैं आप लोग को कुछ दिखाऊंगी। मैं क्रिसमस में कुछ किचन का आइटम खरीदा है, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं मिक्सर लिया है सुमित का। ये मिक्सर मुझे इसीलिए अच्छा लगा, इसका प्राइस भी रिजनेबल है। और ये जो जार है ना, ये जार का ऐसा टाइप का क्लिप है, तो बच्चे लोग भी इसमें कुछ बना के खा सकते हैं। तो मतलब ये जो क्लिप लगा देगा ना, उसके बाद खोलने का कोई चांसेस ही नहीं है, तो इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मैं एक सॉसपैन लिया है,
क्योंकि शाम को टाइम ना निशा नहीं तो बिट्टू चाय बनाते हैं और टोबे बनाता है ना तो मुझे डर लगता है पककर से स्लिप ना हो जाए ऐसा डर लगता है, तो इसीलिए मैं लिया है। तो इसमें डरने का कोई बात ही नहीं है, ऐसा करके छानेगा तो स्लिप होने का चांसेस ही नहीं है। और मैं एक लिया है, ये देखिए चॉपर, इसमें कंदा वगैरह बहुत अच्छे से कटिंग होते हैं तो इसीलिए मैं लिया है। कंदा टोमेटो वगैरह अच्छे से कटिंग होते हैं और कुकुम्बर भी, मतलब कोई भी वेजिटेबल अच्छे से चॉप होते हैं। ये देखिए बाल्टी कितना क्यूट है, मैं इसमें कुछ खाना बनाऊंगी ना तो इसमें सर्व करूंगी, वो तो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं इतना सा शॉपिंग की है और मैं वीडियो अभी यही पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।